मैं चलूं महाराज जी के पास, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आज ये मुन्ना बहुत उदास है, बहुत उदास है, ना मालूम इसके क्या हो गया है। अरे आज मोरे मुन्ना कई चेहरा मलिन कौनो भतार गाड़ी दुआना क्या हुआ सिपाही? हुजूर आपके कहने के अनुसार हम आपके बेटे को चमन की सैर कराने के लिए ले गए थे। क्या हुआ? चमन में आपका बेटा ये सो गया, उसी चमन में हम लिटा दिए और हम उसी चमन में टहलते रहे। ना मालूम कैसे हमें यही लगता है कि आपका ये बेटा बदल गया है। यानी चमन में सुला दिया अपना बेटा और सुला कर तुम गायब हो गए। गायब नहीं हो गए, उसी चमन में हम टहलते रहे और हम उसी चमन में घूमते रहे। वापस जब लौट कर आए तो देखता हूँ आपका बेटा कितना सुंदर था, पर ये बेटा सुंदर नहीं है। और जब तुम बच्चे को सुलाने के बाद उसी चमन में घूमते रहे तो क्या अंधे थे तुम? तुमने नहीं देखा मेरे बच्चे को कौन ले गया? उसी चमन में टहलते रहे, जब वहां से वापस आकर देखे तो ये साथ में ये लेटर भी मिला हुआ है, कागज। और कागज लाओ। एक खत है, महाराज शंकर सिंह आपको मालूम हो कि आपका बेटा हमारी हिरासत में है और अपने बेटे को आपके चमन में छोड़कर जा रहा हूं। अगर मेरे बेटे के जिस्म पर एक भी खरोच आई तो तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। सिपाही हुजूर, ए हमारे समझ में नहीं आता आखिर सुल्तान सिंह कौन पैदा हो गया जो हमारा दुश्मन बन गया। ए सुल्तान है कौन? हुजूर अभी तक तो कोई इस शंकरगढ़ रियासत में कोई सुल्तान नाम का डाकू नहीं था। कोई नहीं था, लेकिन ये कौन सुल्तान सिंह के नाम के डाकू ये कौन पैदा हो गया है? आखिर मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है जो सुल्तान नाम का डाकू मेरे बच्चे को उठा कर ले गया? सिपाही हुजूर अब मुझे करना क्या है? उसके बेटे की परवरिश करना मेरा धर्म है जी। अगर उस सुल्तान के बेटे को हम खत्म करते हैं तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसे राजमहल ले चलो जी और वहीं पे इसकी परवरिश की जाए। और जब सयाना हो जाएगा
तो इसे ही हम अपना बेटा कबूल करेंगे जी मालिक, और इस राज का उत्तराधिकारी बना देंगे जी मालिक। आओ मेरे साथ। वाह महाराज जी, वैसे बहुत अच्छा अपने रास्ता अपनाया है कि अपने बेटे को नहीं बल्कि दूसरे के बेटे की परवरिश करने के लिए आदेश कर दिए। आप महाराज जी अगर सुल्तान सिंह के बेटे को परवरिश नहीं करते हैं तो सुल्तान सिंह महाराज जी के बेटे को मार देगा, इसलिए महाराज जी का फर्ज बनता है किस बेटे की परवरिश होना चाहिए। अब मैं चलूं दो चार नौनिया इसके पालन पोषण करने के लिए लगा दूं। आइए आप लोग देखिए अब आगे क्या होता है। आइएगा दोस्तों, चलते वक्त आप लोगों के बीच कहा गया है, अरे चमड़ा आही जमारन के जो कहू होई बुरा न मानी, बहरहाल हम तो मीना ही चमड़ा आही चमारन के छोड़ावे चहे जाए और दाढ़ी आए नवन के बनावे चहे जाए, दाढ़ी आए नवन के बनावे चहे जाए और माछा आही ठाकुरन के रखावे चहे जाए, आए हाय हाय रही 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 रही, अरे तनिके गोरी हंस के तनिके गोरी हंस के अर की हो बदनाम तनिके गोरी हंस के, तनिके गोरी हंस के तनिके गोरी हंस के की हो बदनाम तनिके गोरी। अरे खवावा की कमला प्रसंद खवावा कमला प्रसंद, अरे राजश्री खवावा मुंह भरी भरी के की हो बदनाम तनी के तो हंसी के, तनी के गोरी हंस के तनी के गोरी हंसी के की हो बदनाम तनी के, लड्डू खवावा कि पेड़ा खवावा पेड़ा खवावा, अरे लड्डू खवावा कि पेड़ा खवावा पेड़ा खवावा, अरे रसगुल्ला खवाए दिन पेट छूट कसी के की हो बदनाम तनी के बोल, ये बताओ जी आज एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ राजकुमारी जी। हाँ। अधिराज क्या पूछना चाहती हैं? हम लोग जानना चाहते हैं। आज ये बात पूछना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं जी राजकुमार, और ये बताओ जी कि क्या मैं इस राजकुमारी कहलाने में मुझे अच्छा लगता है? ये बताओ कि ये नाम क्या तुम्हें अच्छा लगता है? राजकुमारी जी अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, जवाब पे पिताश्री ने आपको राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से पुकारते हैं तो उसी तरीके हम लोग भी आपको राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। दरबारी जी, यदि लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी कहते हैं जी,
और यदि मैं यहां की राजमलका बन जाऊं तो कैसा लगेगा? राजकुमारी जी, अगर आप राजकुमारी मीनाक्षी के बदले अगर आप इस राज की मलका बन जाएं तो बहुत बड़ी स्वाभाग्य की बात है। लेकिन दरबारी जी, एक बात है कि राज की मलका मैं कैसे बनूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो उसे सोचकर मुझे बताएं। राजकुमारी जी, हम राजकुमारी बनने का वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दिमागदार आदमी बता सकते हैं, शायद उसके जरिए शायद आप राजमलका बन ही जाएं। क्या सच कहते हो? जी राजकुमार। तो बताओ वो कौन सा शख्स है जिसके सहारे मैं राज की मलका बन सकती? राजकुमारी जी, और कोई नहीं जो आपकी संगड़गर रियासत में मंत्री अजय प्रताप सिंह हैं, उनका दिमाग नहीं जैसे कंप्यूटर चलता है। क्या कहा जी? उनका दिमाग नहीं कंप्यूटर है जी। तो जाओ इसी वक्त महामंत्री जी से कह दो कि राजकुमारी मीनाक्षी अपने सैन्य कक्ष में उन्हें याद कर रही है और सम्मान सहित उन्हें यहां तक लाया जाए। ठीक है राजकुमारी जी, जैसी आपकी आज्ञा वैसा इस दरबारी का काम। राजकुमारी जी, तो राज कुमारी जी मुझे क्यों बुलवाया सा? राजकुमारी जी मुझे क्यों बुलवाया सा? तो कौन बड़ा काम जरूरी बतलाव कौन सा काम है जो फौरन मंत्री अजय प्रताप सिंह को बुलाया गया है? मंत्री जी, तो क्यों बुलवाया है तुम्हें और बतलाती तथे बतिलाती तत्काल। और मंत्री जी बस पड़ गया एक जरूरी परेशान ना हो। मैं जानना चाहता हूं किस वक्त तुम्हें फौरन बुलाकर कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है जो आज मंत्री अजय सिंह से इसी वक्त का? मंत्री जी,
जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो कि ये राजकुमारी आपसे कहना क्या चाहती है मंत्री जी। और मंत्री जी मैं आपसे अरे करूं राजी की हमारी और जग में मेरा नाम हो और हुक्म सब माने मेरा सर पे सुहाना ताज हो और बाद में अपनी दूल्हन बना लीजिए और राज की मलका सिर्फ आप बना सकते हैं राजकुमारी जी। तो जब तक भाई पिता न मलका बनो सकल न मलका बनोगी काम हां सिल न होगा नरानी राजकुमारी जी। जब तक तुम्हारा भाई और तुम्हारे पिता तुम यहाँ की राजमलिका कैसे बन सकते हो? लेकिन मंत्री जी मुझे राज की मलिका अगर तुम्हें राज की मलिका बनना है तो तुम्हें मुझे मेरा एक काम करना। मंत्री जी मेरी बात सुनो। तो राज की मलिका जिस घड़ी बन जाऊंगी उस घड़ी दिल का मालिक बना लूंगी मैं और ताज शाही मेरे सर पिना दो गए
अपनी शादी तुम्हें से रचा लूंगी मैं। और ताजी शाही मेरे सर पीना दो मेरा तुम कर दिए तो मैं वादा करती हूँ जिस समय मिराज की मलका बन जाऊंगी उस समय मैं खुशी खुशी अपनी शादी तुम संग रचा लूं। तो यही तो बात है राजकुमारी जी कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। राज की मलका बनने के लिए एक काम नहीं हर तुम्हें औरत हो और औरत का त्रिया जाल तुम्हें चलना होगा। तुम्हें लंबादार भाई जब राजकुमारी जी इस शंकरगढ़ रियासत की जब राज मलका बन जाएंगी तो राजकुमारी जी यहाँ की महारानी हो जाएगी। आप यहाँ के महाराज हो जाएंगे। महाराज महाराज हो जाएंगे। ये राजकुमारी जी का वादा। राजकुमारी जी सिस्टम बनाओ मालिक। अगर तुम्हें यहाँ की राज मलका बनना है तो तुम्हें अपने भाई श्याम सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। मंदी जी तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं एक बहन अपने भाई के साथ प्यार ऐसा नहीं हो। अरे राजकुमारी जी तुम जानती हो या मैं जानता हूं महाराज शंकर सिंह जानते हैं ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है। अगर तुम चाहो तो इस ये शंकरगढ़ की रियासत के और अपने भाई श्याम सिंह के आंखों में धूल झोंक कर उसे त्रिया जाल में फंसा सकती हो। वो भी तुम्हें अपनी बहन मानता है क्योंकि वो प्यार करना तुमसे मंजूर नहीं करेगा। तो अगर तुम उससे जबरन अपने हवस का शिकार बनाओ उसी वक्त मैं महाराज शंकर सिंह को लेकर तुम्हारे समक्ष आऊंगा और उसे फांसी पर लटका दूंगा। उसके बाद अपने रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा और तुम यहाँ की राजमलका बन सकती हो। अगर ये बात है ऐसे करने से मैं राज की मलका बन जाऊंगी तो मंत्री जी ये कार में जरूर करूंगी। लेकिन हाँ देर मत करना क्योंकि जैसे ही मैं आवाज लगाऊं वैसे शीघ्र आ जाना। अरे राजकुमारी जी मैं उसी घड़ी का इंतजार किया करता बैठूंगा कि किस समय वो घड़ी आ जाए कि मैं उस समय पहुंच जाऊं। मैं चल रहा हूं। दरबारी राजकुमारी जी तुमने सुना जी मंत्री जी का कहना यह है जी राजकुमारी जी कि इसी वक्त अपने भाई श्याम सिंह को बुलाओ और अपने कमरे में बिठाकर प्यार भरी बातें करो जी क्योंकि वो मेरा भाई है वो मुझसे प्यार नहीं करेगा और मुझे जबरदस्ती करना है और ना करी तो बचाओ बचाओ की आवाज लगाना है। राजकुमारी जी भाई प्यार करो सोच विचार के करो। दरबारी प्यार करो तो सोच विचार के करो। भाई मंत्री जी कह के गए हैं कि ना माने जबरदस्ती गिरा दी हो मान लेना भैया का दिमाग उलझेगा पता लगा कहो उठा के पटकिन दिए। अरे यही तो सोच रही हूँ मैं। और जब पटक दी एक तो शरीर में ऐसे कुछ नहीं लागत झुरा चली जाए रही शंका मा आए जाओ कुछ करो सोच समझ करो। दरबारी इसी वक्त जाओ मेरे भाई श्याम सिंह से कह दो कि तुम्हारी बहन राजकुमारी मीनाक्षी अपने शयन कक्ष में उनका इंतजार कर रही है और आदर सम्मान सहित उन्हें मेरे शयन कक्ष तक लाए। ठीक है
कमरे से भी नहीं आए हैं। आप चले दो मिनट के लिए आराम करें, उसके बाद भैया को बुला कर लाएंगे। ठीक है, मैं अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रही हूँ जी, और उन्हें अति शीघ्र लाना। ठीक है ना? ओके। दोस्तों दोस्तों, या साला मंत्रिया, जहां सुई न जाए हुआ कहो फार चापी दिए। अब बताओ महाराज जी के घर का बर्बाद कर्म चालू कर दी। मंत्री अजय प्रताप सिंह, अगर तुम महाराज जी के घर का बर्बाद करो तो साले तोहरे घर में हम पहले घुसब। अगर तुम महाराज जी के घर का बर्बाद करो, तोहरे घर में अगर हम घुस गए तो दो चार छह महीना ना निकरब, और जब निकरब साले जब तक का तुमका नाना ना बना दे तब तक का निकरब ना। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है, अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, हाय राम हम तन क्यों नहीं जामा। क्या बताऊं, अभी तक दरबारी मेरे भाई श्याम सिंह को लेकर नहीं आया। ठीक है, उसने कहा आप अपने शयन कक्ष में आराम करें, मैं अति शीघ्र लेकर आता हूं, मैं उसका इंतजार। नमस्ते नमस्ते, और छोटू कैसे हो? अरे बात कहे से है पहना बैठ गमगीन है, बात कहे बात क्या है ये पहना बैठ गमगीन है, इस उदा कॉलेज से आता था तो तेरा चेहरा फूलों के माफिक खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है जो तूने मुझे दरबारी से संदेशा भेजा? श्याम सिंह बोल बहना, कुछ काम ऐसा हो गया जो अचानक तुम्हें इस समय बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कहना चाहती है?